नमस्कार। चलिए आज चौमिंग राइस बनाते हैं, जो बच्चों बड़े सबको फेवरेट चौमिंग राइस। तो ये मैंने गाजर प्याज और शिमला मिर्च कट कर लिया है। आपके पास पत्ता गोभी है तो पत्ता गोभी भी कट कर लीजिएगा। ये मैं लोहे का कढ़ाई भी ले रखा है और इसमें तेल डाल दे रही हूँ 2 चम्मच, बड़े चम्मच। मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। कोई भी मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हैं। और जो बचे हुए रात का चावल बचा हुआ चावल है तो उसको फेंक देते हैं, तो उसको फेंकिए ना। आप इस तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाकर रख सकते हैं, जिसे बच्चे कोई भी खा लेगा। बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया लगता है खाने में, बिल्कुल चाउमीन का फ्लेवर आता है। तो इसमें मैंने सारे प्याज सारे वेजिटेबल्स इसमें हम डाल देते हैं, और ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको थोड़ा क्रिस्पी ही रहने देना है। और इसमें गाजर भी हम डाल देते हैं, पतला पतला गाजर भी हम कट कर लिया। आपके पास जो भी सब्जी है, मटर है, जो भी सब्जी वो आप डाल सकते हैं। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है सब्जी को, इसे पकाने में हमें 1 से 2 मिनट इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसके बाद इसमें हम चावल डाल देंगे, दिन के बचे हुए चावल थे। अब इसमें हम काली मिर्च डाल देते हैं 1.5 चम्मच, चावल के अनुसार डालिएगा। तो मैं 1.5 चम्मच में काली मिर्च डाल रही हूँ, कूटी हुई 1.5 चम्मच काली मिर्च। इसमें नीम जीरा डाल दे रही हूँ और सिरका भी डालूँगी। इसमें धनिया पत्ता भी डाल दिया है। अच्छे से सभी चीज़ को मिक्स कर देते हैं। और इसमें विनेगर भी मैंने डाल दिया है, विनेगर मैंने 2 चम्मच डाला है। सिरका और डाल दो, विनेगर 2 चम्मच, सिरका भी 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। और इसमें धनिया पत्ता भी हम इसमें डाल दे रहे हैं, है तो डाली नहीं है तो कोई बात नहीं। सभी चीज़ को मिक्स कर देते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं, आप कितना ज़्यादा या कम कितना खाते हैं नमक, उसी हिसाब से अपने हिसाब से डालें। मैं जितना अपना इस्तेमाल करती हूँ उतना मैं अपने हिसाब से नमक डाला है। तो ये देखिए चावल चाउमीन बनकर तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से मैं इसको पका ले रही हूँ, कलर भी चेंज हो गया है। सब्जी देखिए कितना सुंदर लग रहा है खड़े खड़े। अब इस तरह से बनाइएगा तो बच्चे बड़े कोई भी खा लेगा। चावल बचे हुए फेंक हम फिर लोग फेंक देते हैं, तो फेंकने से अच्छा इस तरह से इस्तेमाल करके आप खा सकते हैं। तो बनाइए और खाइए, और अपना सुझाव हमें पका बताइए।